Hi, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. Today in this video, I will tell you what is human geography, what is its nature and major fields of human geography. So before I will move forward, I hope you will like, share and subscribe my channel and of course hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So, definition of human geography, its nature, subfields of human geography. So firstly we see the definition of human geography. सबसे पहले हम देखेंगे जो human geography है यानी कि मानव भूगोल है उसकी definition, परिभाषा. Human geography deals with the study of people and their communities, culture, economics, interaction with the environment by studying their relation with across space and place. कहने का ये मतलब है कि जो human geography है वो deal करती है ह्यूमन बींग के बारे में, यानी कि स्टडी करती है मानव के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसकी कम्युनिटीज़ के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, और उसका इंट्रैक्शन किस तरह का होता है एनवायरनमेंट के साथ, इसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं. देन अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक रासेल, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है एक सिंथेटिक स्टडी होती है जो रिलेशन होता है ह्यूमन सोसाइटीज़ का और अर्थ सरफेस का, राइट. देन नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर किस तरह का है मानव भूगोल का. ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू मैनुअल इंटरेक्शन विद अदर. इट्स नेचर इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटरग्रेटिव. ज्योग्राफी लुक्स एट आवर सरफेस फ्रॉम टू डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड पर्सपेक्टिव नोन एज सिस्टमैटिक एंड रीजनल. कहने का सिंपल मतलब यही है कि जो ज्योग्राफी है वो आवर सरफेस को जो है टू डिफरेंट टू पर्सपेक्टिव से देखती है, एक तो सिस्टमैटिक दूसरा रीजनल. एंड देन जो डिसिप्लिन है ये ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें क्या होता है ये हेल्प करता है टू लिंक टू इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ये फिजिकल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट को क्या करता है लिंक करता है, राइट. देन सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में पहले इसको दो भागों में डिवाइड किया, वन इज़ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड अदर वन इज़ कल्चरल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट It includes physical features of environmental system such as relief, mountain, plains, plateau, soil, landforms, wildlife, minerals, etc. are elements of physical environment. सिंपल सी भाषा में कहने का यही मतलब है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें फिजिकल चीज़ें आती है लाइक रिलीफ, माउंटेन्स, प्लेन्स, पहाड़, पठार, मैदान, सॉयल यानी कि मिट्टी, लैंडफॉर्म्स, धरातल, खनिज, ये सब चीज़ें जो है फिजिकल एनवायरनमेंट में आती है. देन कल्चरल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, मैन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज कल्चरल एनवायरनमेंट सच एज हाउस, सिटीज, नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और एक्सेट्रा. यानी कि जो ह्यूमन बींग ने जो चीज़ें क्रिएट की है उससे जो एक एनवायरनमेंट बना है उसको हम कल्चरल एनवायरनमेंट कहते हैं. जैसे हाउस, सिटीज़ का जो नेटवर्क होता है, रोड्स का होता है, रेलवेज़ का होता है, इंडस्ट्रीज़ का होता है, एग्रीकल्चर का होता है, ये जब एक नेटवर्क बनता है फिर एक एनवायरनमेंट बनता है, उसी एनवायरनमेंट को हम कल्चरल एनवायरनमेंट कहते हैं. देन वेरियस ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फर्स्ट जो ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी की दैट इज़ पॉपुलेशन ज्योग्राफी. द ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, distribution of population, birth and death rate, sex ratio, infant mortality rate, etc. यानी कि जनसंख्या भूगोल. जनसंख्या भूगोल में क्या होता है, हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव भूगोल के बारे में, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उनका घनत्व के बारे में, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है पॉपुलेशन उसके बारे में, बर्थ और डेथ रेट क्या है, लिंग अनुपात क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, शिशु दर मृत्यु. देन अर्बन ज्योग्राफी में क्या है, अर्बन ज्योग्राफी इज सब डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विच ड्राइव्स फ्रॉम स्टडी ऑफ ह्यूमन सिटीज एंड अर्बन प्रोसेस सच एज अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग, अर्बन लाइफ, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स एनवायरनमेंट. हम सभी को पता है अब जो है
हम ज़्यादातर जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है चीज़ों का. सो जो अर्बन ज्योग्राफी है ये भी एक ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच है. जो अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरिया की लाइफ है, वहाँ के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ की जो डेवलपमेंट प्लानिंग है, इन सभी चीज़ों को हम अर्बन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं. देन सोशल ज्योग्राफी, इट इज़ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल कंडीशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज देयर लाइफ स्टाइल, रिचुअल्स, फूड दे ईट, कल्चर दे अडॉप्ट, क्लॉथ दे वियर, देयर रिचुअल्स, रिलीजियस कंडीशन एक्सेट्रा. सोशल ज्योग्राफी सामाजिक जो है भूगोल, समाज की चीज़ें इसमें आएंगी. लाइक इसमें आपका जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, किस तरह का है, रिचुअल्स हैं आपके वो किस तरह के हैं, आप कौन सा खाना खाते हैं, आप कौन सा जो कल्चर है वो अडॉप्ट करते हैं, किस तरह के जो क्लोथ हैं आप वियर करते हैं, आपका धर्म क्या है, राइट. ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम सोशल ज्योग्राफी के अंदर जो है स्टडी करते हैं. देन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में क्या होता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ पीपल, इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैम. कहने का सिंपल यही मतलब है कि जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक ब्रांच है, और इसमें इकोनॉमिक्स जो कंडीशन होती है पीपल की, इकोनॉमिक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. इट ऑल्सो एक्सप्लेन अदर एस्पेक्ट्स इफ इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सच एज वेरियस इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय दीज एक्टिविटी. यानी कि जो एक एक्टिविटीज़ होती है इकोनॉमिक्स की, लाइक प्राइमरी जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह आता है, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में हम इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं. और जो भी इन एक्टिविटीज़ से जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, उसको भी हम इसी के अंदर स्टडी करते हैं. देन बिहेवियरल ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी इज़ एन अप्रोच टू ह्यूमन ज्योग्राफी दैट एग्जामिन ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग अ फोकस ऑन डिसएग्रीगेट अप्रोच. बिहेवियर ज्योग्राफी फोकस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस अंडरलाइंग स्पायरल रीजन डिसीजन मेकिंग द बिहेवियर. बिहेवियर ज्योग्राफी, ये नाम ही खुद ब खुद बताता है, इट्स मीन कि बिहेवियर, व्यवहार, व्यवहारिक भूगोल. व्यवहारिक भूगोल में क्या होता है, ये ह्यूमंस का जो बिहेवियर है किस तरह का है वो हम बिहेवियर ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं. देन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी डिस्क्राइब वेरियस डेवलपिंग स्टेज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन और एरिया फ्रॉम एंशियंट टाइम. कहने का सिंपल मतलब यही है कि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में क्या होता है कि जो एंशियंट जो चीज़ें हैं पर्टिकुलर रीजन के बारे में, उसको जो है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में डिस्क्राइब किया जाता है. देन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इट इज़ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स, रिलेशन बिटवीन वेरियस कंट्रीज, डिवीजन ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड रीजन. पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या होता है कि हम इसमें जो है स्टडी करते हैं वेरियस पॉलिटिकल जो ग्रुप्स होते हैं उनके रिलेशंस क्या होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, और कंट्रीज़ का डिवीजन किस तरह से होता है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर रीजन का डिवीजन जो है हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर जो है स्टडी करते हैं एज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो.